भाई का अभी हो गया एक्सीडेंट यहाँ पे। सो भाई अभी देखो यहाँ पे मेरे पीछे फॉरेनर्स जा रहे हैं, बट पूछ के देखेंगे। बड़ा है इनका? नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ एक नई चीज़, नई जगह है, नया एक्सपीरियंस। और चलो चलते हैं, अभी दिखाते हैं फिर कहाँ पे जाना है और किधर जाना है। आप देखते रहना ब्लॉग, तभी पता चलेगा। तो भाई तुमको कैमरा मैन से मिलवाते हैं। माय नेम इज सोहन। बढ़िया भाई तुम्हारा। और ये कैमरा आज ही शूट करने वाले हैं हम लोग के साथ। और आप भी हैं ना इनके साथ ही? नहीं हम बस उन्हीं के साथ में है। ये इनका भी यूट्यूब चैनल बता दो। यूट्यूब चैनल अपना यार नाम नहीं याद है। खैर कोई भी दिक्कत हो जाए जो आने जाने में, सूरज यादव नाम बता देना। देखना यहाँ पे हुआ था क्या हुआ था। तो अभी यहाँ पे देखा तुमने, ये रैप कर रहा था, इसने खुद से रैप लिखा और खुद से भी इसे एक्टिव भी कर रहा है उसमें। गुस्सा नहीं, क्या बोला तूने? नहीं हम चश्मा नहीं लगा, गुस्सा लगाओ ना। जो गुस्सा रहा है उसका क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है? आपको बड़का बतू मास बता रहा, फोन को मिला के अपने नाम को बता रहा, भूल गया है क्या मुझको? भाई अभी थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। नेक्स्ट लोकेशन अभी तुमको दिखाऊंगा लखनऊ का फेमस, जिसकी वजह से लखनऊ जाना जाता है, तो वहाँ पे चलेंगे हम लोग। सो भाई लेट्स। तो भाई भाई का अभी हो गया एक्सीडेंट यहाँ पे। और ये देखो हम लोग पहुँच गए पिक्चर गैलरी लखनऊ। और ये देखो घंटाघर, बताया था हम लोग आने वाले हैं। सो अभी कैसा लग रहा है भाई? लखनऊ का द मोस्ट विजिटेड प्लेस एंड द मोस्ट एंड द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन लखनऊ। लखनऊ की शान, लखनऊ की आन पान शान यही है घंटाघर। इधर बड़ा इमामबाड़ा पड़ता है उस साइड, अभी हम लोग वहाँ पे नहीं गए हैं। कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें वहाँ पर दिखाऊँगा। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा भी है, और यहाँ पे कुड़िया घाट भी है सामने। हम लोग उधर से आ रहे हैं तो वहीं पे है कुड़िया घाट। देन अभी यहाँ पे भाई जितने भी लोग होते हैं, जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं, जितने भी जिन्हें भी फोटोग्राफी करवानी होती है, वीडियोग्राफी एंड जो भी यूट्यूब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो भी होते हैं, वो यहाँ पे शूट करने आते हैं। एंड शूट ये देखो वहाँ पे हो रहा था, प्री वेडिंग शूट चल रहा था। ये देखो सामने प्री वेडिंग शूट चल रहा है, या फिर ये देखो कपल्स खड़े हुए हैं। और इधर हमारे सूरज भैया का शूट हो रहा, ये देखो कैमरा मैन मेहनत करते हुए। यहाँ पे सब तुमको ऐसे ही दिखेंगे, कोई कैमरा लिया, कोई मोबाइल से शूट कर रहा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। और ये देखो यहाँ क्या लिखा है, जुम करो। भाई वो देख ये सब लिखते रहते हैं यहाँ पे, बताओ। तालाब में पानी इसमें नहीं है, बीच में देखो तालाब सूख चुका है। और मैं यहाँ काफ़ी दिनों नहीं सालों बाद आया हूँ। तुम भाई कब आए हो लास्ट? कब आए थे यहाँ पे लास्ट? बहुत दो तीन बार आ चुके हैं पानी भरने के लिए। घर में पानी खत्म हो गया था तो सोच रहे हैं बल्टी कहाँ से लें, आखिर पानी यहाँ ले रहे हैं। घर पे समर से बिल्कुल ख़राब हो चुका है, घर पे पानी खराब हो गया। बंदे हैं जैसे सीधा साधा बात है, बल्टी लाएंगे पानी भर के घर जाना है, और कुछ का नहीं। बढ़िया बढ़िया, हम भी भर लिया करेंगे कभी कभी। बल्टी लानी पड़ेगी, ले कैसे जाओगे बल्टी? सही, गाड़ी के पीछे मान लेंगे भाई। आप लोग घर में पानी खत्म हो, पानी भर लेंगे, ये पानी भराएंगे। और कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें जो ये यहाँ पे घंटा घर दिख रहा है तुमको, और ये जो तालाब है यहाँ पे अवध लखनऊ को ही कहते हैं, अवध के आठवें नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने 1827 से लेकर 1837 में इसका बनवाया था बिल्डिंग ये। और जो ये पीछे दिख रही तुमको बिल्डिंग, और ये तालाब के साथ, क्योंकि जो जॉर्ज थे, सर जॉर्ज वहाँ के कहाँ के थे यार, ब्रिटेन के शायद, तो उनके आगमन पर बनवाया था, वो आ रहे थे तभी। अभी हम लोग पहुँच गए लखनऊ के रूमी दरवाज़ा कहते हैं इसे, और इसके सामने अभी हम लोग खड़े हैं, और हम लोग का यहाँ पे अभी शूट होने वाला है। तो देख रहे हो जैसे आज हम लोग का शूट चल रहा है, और यहाँ पे दिखाते हैं ये जो गेट है भाई, ये काफ़ी पुराना और यहाँ की फेमस बिल्डिंग है, और इसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद किसी वजह से चल रहा है,
और क्या, आना देखना, मजा आएगी, अच्छा लगेगा। अवध के नवाब असफुद्दौला ने बनवाया था सन 1784 में, तो समझ सकते हो तब से ये बिल्डिंग खड़ी हुई हो, तब के इंजीनियर्स कैसे होंगे और कितने बढ़िया हों। आज के इंजीनियर से भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों, इतनी बड़ी बिल्डिंग इतने लंबे टाइम से टिकी हुई है। देखो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ, ये छोटा इमामबाड़ा, इसके बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हुई है ये ऐसे बहुत छोटा लिखा गया, उर्दू में भी लिखा है और ये हिंदी में भी लिखा है यहाँ पे, और नीचे इंग्लिश भी दी हुई है, तो जिसको जो भी लैंग्वेज सुटेबल लगे वो उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है और इसके बारे में जान सकता है। और यहाँ पे जामा मस्जिद का भी दिया हुआ है, और यहाँ पे सतखंडा है, घंटाघर का है, ये हुसैनाबाद बरादरी है, ये हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक ये इसको नाम दे दिया गया है, और ये सामने तुम्हें जो दिख रहा है गुलाब वाटिका है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे गोमती नदी है नीचे, आगे जो पक्का पुल मैंने आपको एक दिन दिखाया था, पक्के पुल पे नीचे गोमती नदी है, एंड फिर यहाँ पे है उसके बारे में भी लिखा है गोमती नदी के बारे में। फिर रूमी दरवाज़ा है, टीले वाली मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद आगे है, और यहाँ पे पक्का पुल। यहाँ पे भाई बहुत सारी देखने वाली चीज़ें हैं अगर आप देखना चाहो, और मेरे सामने जस्ट देखो रूमी गेट बना हुआ है, इतना सही लग रहा है, और इतना भाई मतलब भयंकर लग रहा है बढ़िया देखने में। इसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो दिखाता हूँ आपको, मैं यहीं से जूम करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर भी लोग जा सकते हैं, अभी इसका शायद कंस्ट्रक्शन में अंडर कंस्ट्रक्शन है तो नहीं जा रहे हैं शायद, बट ये भाई लखनऊ की आन बान शान है। अगर आपको लखनऊ में घूमना है ना, और अगर आप यहाँ नहीं गए, और यहाँ नहीं गए तो भाई फिर कहीं नहीं गए। सो भाई अभी देखो यहाँ पे मेरे पीछे फॉरेनर्स जा रहे हैं, तो लग तो काफ़ी वैसे रहते हैं मतलब किसी ऐसी कंट्री से जो नॉर्दर्न में हो, बट पूछ के देखेंगे, मैं चाहता नहीं पूछना, मैं वो ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है, बट वो निकल गया अभी यार, वो रुके ही नहीं थोड़ा सा अभी, तो नेक्स्ट टाइम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे आते रहते हैं ना, तो देखते हैं कोई दूसरा आएगा तो पक्का पूछूंगा भाई मैं, ठीक है, पक्का उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके मजे लिए जाएंगे। ओके गाड़ी लेकर जा रहे हैं, गाड़ी में पीछे पिछवाड़ा है इनका, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो हाँ रुकिए ना, ये चले गए, अरे तो चले जाए भाई, पता नहीं क्या बोला था, गाड़ी का पिछवाड़ा बता रहा है, गाड़ी का पिछवाड़ा क्या होता है भाई, नंबर प्लेट नहीं लगी मुझे, लगा भाई बता रहा है। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं एंड देन घर पहुँचते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग की शूटिंग आज ही स्टार्ट कर दूंगा, नेक्स्ट ब्लॉग आज ही स्टार्ट करूँगा, जाना है मुझे कहीं, और दिखाते हैं लखनऊ की फेमस जगह वो भी है। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड गुड लक, जय जय श्री राम, बाय बाय।